सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। ए बी दो पार्टनर हैं और ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2015 को और कैपिटल लगाई है 15 लाख और 9 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर 2015 को दे डिसाइड करते हैं कि हमारी जो कैपिटल रहने वाली है वो 12 लाख रहेगी हर किसी पार्टनर की। द नेसेसरी एडजस्टमेंट करो कि कैपिटल के अंदर वर्ब बी मेड इंट्रोड्यूस करो या तो कैपिटल या फिर विड्रॉ करो निकाल लो। किसके द्वारा? चेक के द्वारा। तो बैंक के थ्रू आपने ट्रांजेक्शन करनी है तो पैसे लेके आने हैं निकालने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर कितना देना है? 8% पर एनम देना है। कंप्यूट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31 मार्च 2016 को। तो ये हमारा पूरा साल है, ठीक है ना। ये क्या है? 1 अप्रैल है, ठीक है। 1 अप्रैल 2015 जहां पर बिजनेस स्टार्ट हुआ, और ये क्या है? 31 मार्च 2016 यहां पर क्या हुआ है? बुक क्लोज हुई है। अगर हम बात करें बीच में कब है ये? 1 अक्टूबर। तो यहाँ क्या है? अक्टूबर 1/10/2015, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एडजस्टमेंट की डेट है। कहता है जब बिजनेस स्टार्ट किया तो ए था और बी था, दो पार्टनर थे। बिजनेस में कितने लगाए थे इसने? इसने तो लगा रखे थे ए ने 15 लाख रुपए और बी ने कितने लगा रखे थे? 9 लाख रुपीज, ठीक है ना। और तो कहते हैं जी, अब कहते हैं लास्ट में जब हम कैपिटल करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे, तो हमारी कितनी रहनी चाहिए? 12 लाख रहनी चाहिए। कब से? 1 अक्टूबर 2015 से। मतलब यहाँ पर हर किसी की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 12 लाख हो जाएगी हर पार्टनर की, ठीक है। यहाँ पर इसकी भी कितनी हो जाएगी? 12 लाख। तो भाई इसकी तो ऑलरेडी 15 लाख है, तो 12 लाख कब होएगी? जब इसमें से ये 3 लाख क्या कर लेगा? अपने पैसे निकाल लेगा कैपिटल में से, तो 3 लाख से कम हो जाएंगे। ये क्या करेगा? 9, ये 3 लाख क्या करेगा? ऐड करेगा, तभी इसके 12 लाख होंगे, ठीक है। अब कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। तो ए की कैलकुलेशन करो, ए ने कितने लगाए? 15 लाख रुपए लगाए, ठीक है जी। किस रेट से देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 8%, 8/100, ठीक है। इनटू कितने मंथ के लिए लगाए? ये कितने मंथ बैठते हैं 10वें महीने तक? तो ये बैठते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10वां महीना तो है नहीं, तो ये कितने बैठते हैं? 6 मंथ बैठते हैं, ठीक है। 6 मंथ यहाँ बैठते हैं और 6 मंथ एडजस्टमेंट करने के बाद बैठते हैं, ठीक है। तो ये कितने आ जाएंगे आपके? 6/12 प्लस बाद में कितने रह जाएंगे? 12 लाख बाद में रह जाएंगे आपके। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कितने परसेंट से? 8/100 × 6/12। और अगर हम बी की बात करें तो बी ने कितने लगाए थे स्टार्टिंग में? 9 लाख लगाए थे। और किस रेट से? 8/100 से। और कितने टाइम के लिए? 6/12 मंथ प्लस नेक्स्ट टाइम कितना हो जाएगा? सेम रहने वाला है 12 लाख वाला, जितना यहाँ आएगा सेम यहाँ आएगा। तो कैलकुलेशन करो, यहाँ से एक को कितने से काट दो? 2 से। यहाँ एक को 2 से, ये 2 को 4 से, ठीक है ना। ये 2 को, ये 4 से, 1 से 2 से, 2 को 4 से, ठीक है। और ये 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो, तो ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो। तो ये कितना बच गया यहाँ पर? 15,000 बचेगा। कितना बचेगा? ये 15,000। और मल्टीप्लाई कितने से करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे आप 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 60,000 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का देखो कितना आएगा। ये कितना था आपका? 12,000। 12,000 को अगर कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप? 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 48,000। तो टोटल कितने बैठेंगे आपके? 48,000। ये इसका भी सेम कितना आएगा, क्योंकि सेम यहाँ पर भी 12 लाख थे, 8% और 6 मंथ के लिए थे। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 48,000। अगर हम बात करें यहाँ कितना आएगा, ये कितना है? ये है 9,000। तो 9,000 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। तो कितना आएगा? 36। तो 36,000 तो यहाँ पर आ गई, और प्लस 48,000, 36 प्लस 48, ये बैठते हैं हमारे पास 84।
जो बी केस के बैठेंगे वो बैठेंगे 84,000, ठीक है। अगर हम बात करें ए केस की, तो ए केस में कितने बैठेंगे, 60,000 तो एक फर्स्ट पार्ट था, प्लस 48 दूसरे पार्ट के अंदर हुए, तो कितने हो जाते हैं, 1,08,000, ठीक है। तो ये किस में बैठने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट में। ये क्या बनने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ कि प्रॉफिट कितना हुआ इस साल, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रोवाइड कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको देंगे, ए को और ये बी को। ए को कितने देंगे, 1,08,000, और बी को कितने दे देंगे, 84,000, ठीक है। और दोनों को ऐड करो, 1,08,000 प्लस 84,000, ये कितने बनेंगे आपके, 1,92,000, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, अब आपको पैसा तो पता नहीं, प्रॉफिट तो पता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लॉस। तो ये क्या लिखोगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना है ये, एक खाते में कितना लॉस जाएगा और बी खाते में। रेशियो क्या है, रेशियो क्वेश्चन ने कुछ बताया ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 1/1 की रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1,92,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,92,000। तो इसको डिवाइड करोगे 2 से, कितना आ जाएगा, 96,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 96,000। अब क्या करेंगे, यहाँ बैलेंस बीडी उतारेंगे, ए के लिए और बी के लिए, यहाँ ए के लिए और यहाँ बी के लिए, बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। कितना कैपिटल लगाई थी इन्होंने, उन्होंने कैपिटल लगाई थी 15 लाख और 9 लाख। यहाँ क्या लिखोगे, 15 लाख, और यहाँ कितना लिखोगे, 9 लाख। उसके बाद क्या किया था, इसने पैसे निकाल लिए थे, किसने निकाल लिए थे पैसे, ये निकाल लेते, ए ने, लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि बैंक के माध्यम से आपने एडजस्टमेंट कर लिया है, तो निकालने हैं या लेके आने हैं, तो निकालोगे कितने निकाले, इन्हें 3 लाख रुपए निकाल लिए, ठीक है। और बी ने क्या किया, बी लेके आया था भाई, तभी तो 12 लाख बने थे यहाँ, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, बाय बैंक, कितने, ये बी लेके आया 3 लाख, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 12 लाख, और यहाँ कितना हो जाएगा, 15 लाख, ठीक है। और यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन से कितना लॉस हुआ इसको, 96,000 का, और इसको भी कितना हुआ, 96,000 का। तो भाई आपका कितना था, ये 12 लाख था, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 12 लाख, और यहाँ कितना आ जाएगा, 15 लाख, ठीक है। अब क्या करोगे आप, 12 लाख में से अगर हम बात करें कितना माइनस करना है, 96,000 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा आपका, 11,04,000, ठीक है। अगर हम ए केस की बात करें, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 15 लाख था, और इसमें से माइनस कितना किया आपने, माइनस किया आपने 3 लाख तो निकाल लिए आपने, 3 लाख माइनस कर दिए, और माइनस फिर कितने किया आपने, 96,000। माइनस करोगे 96,000, तो कितना आ जाएगा, 11,04,000। ये क्या आ जाएगा हमारा, टू बैलेंस सीडी। तो आपने ऐसे लेके चलना है, ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करने का प्रयास करना है। वैसे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था, लेकिन हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर भी डील करके दिखा दिया, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर भी डील करके आपको दिखा दिया, ये आपके लिए सफिशेंट है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।